बिल्कुल, एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई थी। विभव कुमार ने भी पुलिस को शिकायत दी है और ये शिकायत स्वाति मारीवाल के खिलाफ दी है, यानी कि क्रॉस शिकायत कर दी है विभव कुमार ने। पहली एफआईआर स्वाति मारीवाल ने विभव के खिलाफ कराई और अब विभव कुमार ने स्वाति मारीवाल के खिलाफ शिकायत करा दी है। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या ये डिटेल्स आपके पास हैं? दिल्ली पुलिस को शिकायत की गई है या एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की है विभव कुमार ने? क्योंकि हमारी जानकारी है कि जब विभव कुमार के घर पुलिस गई थी तो वो मिले नहीं थे। देखिए बिल्कुल, सूत्रों के हिसाब से अभी तक ऐसी सिर्फ जानकारी आ रही है, आधिकारिक तौर पे पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हालांकि विभव कुमार को ये अधिकार है कि अगर उन्हें लगता है कि स्वाति मालीवाल की तरफ से कुछ बात हुई थी या फिर उन्होंने प्रवोक किया था तो वो एक क्रॉस एफआईआर जरूर करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली और जो सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा वो स्वाति मालीवाल को मिलेगा, क्योंकि जो एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो स्वाति मालीवाल द्वारा कराई गई है। 112 नंबर पे पीसीआर कॉल उन्होंने की थी, थाने वो जाती है, थाने में वर्बली बताती है, लेकिन उसके बाद वो अपने कमरे घर में कैद होकर रह जाती है। वो पुलिस को कोई भी लिखित शिकायत नहीं देती। क्या स्वाति मालीवाल के ऊपर कोई दबाव था या वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में थी, इसको जानने के लिए दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर जब पहुंचे थे तो वहां पर देखने के बाद ये पाया कि उन्होंने तब जाके एक शिकायत दी थी और उस शिकायत के बाद ही जो बाकायदा एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। यानी कि अब एक तरह से इन्वेस्टिगेशन अपने जो है पीक पर है और यहां पर खुद स्वाति मालीवाल को बुलाया गया है, पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, फॉरेंसिक टीम्स जो है वो आई है, सीनियर ऑफिसर्स मौजूद है और उसके बाद जो है वो ये सारे सबूत और सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उस दिन हुआ था ने जो बताया था उसमें उस बयान को जो है वो कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से एविडेंस जो है वो पुलिस जुटा पाती है। इसीलिए स्वाति मालीवाल को ये यहाँ बुलाया गया है क्योंकि उनसे बेहतर उस दिन के बारे में और उन जगहों के बारे में कोई और नहीं बता सकता। बिल्कुल, कोई और नहीं बता सकता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बात, वहां पर जो सिक्योरिटी में तैनात पुलिस के जवान है सीएम हाउस के अंदर, उनसे जो पूछताछ होगी या उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन सब के बीच हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि स्वाति मारीवाल सीएम हाउस के अंदर हैं इस वक्त और घटनाक्रम के बारे में पुलिस को जानकारी दे रही है कि कैसे ये पूरी घटना घटी है। लेकिन इन सब के बीच हम आपको कुछ और डिटेल्स भी बता रहे हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में कई गंभीर बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कई उनको चांटे मारे गए, उनको पैर से मारा गया, कई सेंसिटिव जगहों पे भी उनको मारा गया, कई ऐसी चीजें हैं स्वाति मालीवाल ने कही हैं जिनके बारे में अब पुलिस पूरी तफ्तीश में लगी हुई है।